1864 में क्या हुआ, पहले उसको डिस्कस कर। 1864 में क्या हुआ, कंसोलिडेट किया गया था। उससे पहले के जितने भी एक्ट थे रजिस्ट्रेशन के देश के अलग अलग हिस्सों में, उनको मिला के एक एक्ट बनाया गया। फिर उसके बाद नहीं, ऑप्शनल वाले को कंपलसरी नहीं किया, ऑप्शनल और कंपलसरी दोनों थे, लेकिन जो डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड है उसको प्रायोरिटी दे दी। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं 1908 में, क्या हुआ वहां पे, द इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट आया। क्वेश्चन भी यहीं से बनेगा। और उसके बाद उसको कौन से साल में हटा दिया गया, 69 में। ठीक है, हमने एक राइट के बारे में पढ़ा था, वो कौन सा राइट है, राइट इन रैम। जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है वो कौन सा राइट क्रिएट करता है, राइट इन रैम, यानी कि पूरी दुनिया के अगेंस्ट मेरा वो अधिकार है। ठीक, उसके बाद हाँ चलो सेक्शन वन में सबसे पहले इसका नाम क्या है, द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। उसके बाद द लगाना नहीं भूलना है। उसके बाद ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, होल ऑफ इंडिया में, कौन सी तारीख से, ठीक है, 31st October 2019। उसके बाद अब इसके कमेंसमेंट डेट पे आते हैं, इसका इन्फोर्समेंट डेट क्या है, ठीक है, इसका प्रेसिडेंट का असेंट का क्या डेट है, 1908। ठीक, उसके बाद और भी कुछ डेट बती, छत्तीसगढ़ इन्फोर्समेंट, चलो बढ़िया। अब हम आज से शुरू करते हैं, डेफिनेशंस कितनी है इसमें, काउंटिंग में सबसे खराब डेफिनेशन कौन सी है, ठीक ये वाली, ठीक है चलो आगे बढ़े। चैप्टर नंबर टू यानी कि पार्ट टू, उसमें टोटल पार्ट्स कितने हैं, 15। टोटल सेक्शंस कितने हैं, 93। काउंटिंग में जाएंगे तो ये तकरीबन 89 या 90 निकलेगा, क्योंकि कई सेक्शंस रिपील हो चुके हैं। ठीक है चलो, तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं पार्ट टू, जो कि बात करता है रजिस्ट्रेशन एस्टैब्लिशमेंट्स के बारे में। एस्टैब्लिशमेंट्स का मतलब क्या होता है, हिंदी में लिखा हुआ है रजिस्ट्रीकरण स्थापन। एस्टैब्लिशमेंट का मतलब क्या होता है, ऑफिसेस, ठीक है कह सकते हैं, ऑफिसेस ही कहना सही होगा, करा सकते हैं। यानी कि इस एक्ट के अंतर्गत कौन कौन से ऐसी बिल्डिंग्स, कौन कौन से ऐसे ऑफिसेस, कौन कौन सी ऐसे पावर हाउसेस को बनाया गया है जो इस एक्ट के अंतर्गत सब कुछ रेगुलेट करते हैं। ठीक है, तो उनका हम एक छोटा सा टीजर लेंगे। इस एक्ट की खूबसूरती ये है कि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं इनके बारे में, फिर हम अगली बार जब इनके बारे में डिस्कस करेंगे तो वो आएगा चैप्टर 9 और 10 में। ठीक है, यहाँ पे केवल एक टीजर है कि भाई ये लोग होते हैं। चलो सेक्शन नंबर 3 कौन पढ़ेगा, कोई भी एक जन पढ़ेगा, हाँ पढ़िए। हाँ, एक सेकेंड, ये सबसे पहले ऑफिसर लिखा है, ठीक है, द स्टेट गवर्नमेंट शेल अपॉइंट एन ऑफिसर टू बी द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर द टेरिटरी सब्जेक्ट टू सच गवर्नमेंट। आगे प्रोविजो, ठीक है, और इस सेक्शन को मार्क कर लो, सीधा क्वेश्चन यही पूछ सकता है कि इंस्पेक्टर जनरल का एस्टैब्लिशमेंट कहां दिया हुआ है। ठीक है, बड़ा बेसिक है लेकिन आसान है। देखो ये सेक्शन क्या कह रहा है कि एक इंस्पेक्टर जनरल नाम का व्यक्ति काम करेगा इस एक्ट के अंतर्गत। इंस्पेक्टर जनरल हम और कहां सुनते हैं, एक्साइज में सुनते हैं, मैं इन जनरल पूछ रहा हूं, पुलिस में, पुलिस में एक आईजी रैंक का अधिकारी होता है। कितना बड़ा अधिकारी होता है आईजी, कौन बताएगा तुम्हें, मैंने सीआरपीसी पढ़ाते वक्त बताया है, हाँ बताओ। डीआईजी उसके नीचे है, तीसरा डायरेक्ट, नहीं नहीं नहीं, डेप्टी, डीआईजी का फुल फॉर्म होता है डेप्टी इंस्पेक्टर जनरल, आईजी का होता है इंस्पेक्टर जनरल, तुम जो बोल रहे हो वो एडीजी है, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। चलो
मैं तुम्हें बता देता हूँ क्विकली, ये क्यों बता रहा हूँ, जनरल नॉलेज भी है और प्लस तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि आईजी यहाँ पे काम क्या करता है। जब आप एक मान लेते हैं कि आप सबने यूपीएससी की तैयारी करी और आप सब लोग एक आईपीएस ऑफिसर बने, तो आप एक एएसपी की रैंक पे जाएंगे। एएसपी क्या है? एएसपी क्या है? गलत, एक स्टार लगा होगा, नहीं दो स्टार लगे होंगे, और आप असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एक्सक्लूसिवली आईपीएस ऑफिसर्स को रैंक दी जाती है जब तक वो ट्रेनिंग करते हैं। दो साल उन्होंने ट्रेनिंग करी, फिर वापस आपको एक पद मिलता है एएसपी नाम का, लेकिन अब की बार ये पद क्या है? एडिशनल एसपी का। वो तीन शेर वाला जो एम्बलम होता है ना, वो इकलौता एम्बलम लगा होता है उनके शोल्डर पे। फिर एएसपी के बाद जब वो तीन चार साल काम करते हैं एएसपी की रैंक पे, तो उनको पद मिलता है एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, यानी कि किसी छोटे डिस्ट्रिक्ट का पुलिस का अधीक्षक। उसके बाद उनको एक रैंक मिलती है एसएसपी। एसएसपी मतलब किसी बहुत बड़े डिस्ट्रिक्ट का मेन सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। एसएसपी के बाद वो जिस पद पे जाते हैं, वो जो हमें गजेंद्र बता रहा था, वो है डीआईजी, डेप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। इस पद का क्या काम है? इस पद का काम है कि एक दो बड़े और उसके साथ काम करने वाले एक दो छोटे जिलों का मेन हेड करता है, यानी इसके नीचे काम करते हैं कितने? तीन चार एसपी। उसके बाद इससे ऊपर आता है आईजी, ये जोन के होते हैं, मतलब जोन बढ़ गया, बिलासपुर और इसके आसपास का जांजगीर चांपा जितने भी, ये पेंड्रा वेंड्रा का पूरा एक जोन है, इनमें काम करता है एक इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। हमें तो यहीं तक आना था, लेकिन अब चूंकि पहुंच गए यहां तक तो आगे भी बता देता हूं। इसके ऊपर काम करता है एडीजी, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। कई आईपीएस ऑफिसर्स भी ऐसे होते हैं जो इस रैंक तक पहुंच नहीं पाते, और इसके ऊपर एक सबसे बड़ा आदमी पूरे स्टेट की पुलिस का मालिक डीजीपी काम करता है, जो सिर्फ एक होता है, जो कि जिसको कहते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, यानी कि ये थर्ड रैंक है हाईएस्ट पुलिस की सर्विस में। ठीक है, अब आईजी भी हमारे यहाँ पे मिला जुला ऐसा ही काम करता है। आईजी का काम क्या है कि बड़े बड़े जोन जो होते हैं ना, हर एक जोन का एक मालिक होता है आईजी। और अगर कायदे से, जैसे हमारा छत्तीसगढ़ एक छोटा स्टेट है, छोटा कार्डर है, तो ऐसे कार्डर्स में तो आईजी का बहुत ज्यादा पावर है। बड़े स्टेट्स में तो ये एडीजी रैंक का अधिकारी, जो बहुत बड़े बड़े डिपार्टमेंट संभालता है, इन लोगों को आईजी का काम दे देते हैं कि तुम दो चार डिस्ट्रिक्ट के एडीजी बन जाओ। ठीक है, तो बेसिकली अब वापस आते हैं सेक्शन पे। सेक्शन बात कर रहा है इंस्पेक्टर जनरल के, कुछ कह रहा है कोई? कमिश्नर किसको बोलते हैं? दिखाता हूं, ये जो पद है ना एसएसपी का, इसको कहते हैं एसपी के पद को कहते हैं असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, इसको कहते हैं डेप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, और आईजी और डीआईजी को कहते हैं कमिश्नर ऑफ पुलिस। ठीक है, हमेशा आईजी और डीआईजी, हमारे इंडिया में इससे पहले 2009-10 के टाइम तक कमिश्नरेट चलता था, मतलब कमिश्नर ही बुलाते थे, लेकिन उसके बाद कमिश्नर को हटा के ये वाले पद ले आए गए, इंस्पेक्टर जनरल, आईजी, डीआईजी। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि कौन किसको लीड कर रहा है। कमिश्नर का सिंपल मतलब यह है कि जिसके अंदर में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट और जोन आते हों, तो आईजी और डीआईजी दोनों को कमिश्नर बोला जाता था। ये असिस्टेंट कमिश्नर होते थे, ये डेप्टी कमिश्नर होते थे। ठीक है, और कई बार जो है, जब कोई बड़े जिले की बात करो, तो इन दोनों को असिस्टेंट कमिश्नर बोला जाता था, ये डेप्टी कमिश्नर हो जाता था, और ये कमिश्नर हो जाता था। क्लियर? चलो, सेक्शन नंबर 3 जो बात करता है किसके बारे में? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंस्पेक्टर जनरल के बारे में। ये सिर्फ इतना कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि विष्णुदेव साय जी, वो क्या करेंगे, एक ऐसे व्यक्ति को, शैल लिखा हुआ है, अपनी बेयर एक्ट में शैल को अंडरलाइन करो, शैल मतलब कंपलसरी है इस एक्ट के अंतर्गत किसी आदमी का इंस्पेक्टर जनरल होना। तो विष्णुदेव साय जी क्या करेंगे, एक कंपलसरीली एक व्यक्ति को जो कि इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन कहलाएगा, ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेंगे। क्लियर, बात क्लियर है? कौन अपॉइंटमेंट कर रहा है? स्टेट गवर्नमेंट। इसका मतलब बात क्लियर है कि ये एक स्टेट अमेंडेड एक्ट है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, कहां के लिए करेंगे, उन टेरिटरीज के लिए करेंगे जहां पे उन गवर्नमेंट का राज हो। इसका मतलब स्टेट गवर्नमेंट का जो राज होता है कहां तक होता है, अपने स्टेट गवर्नमेंट तक के लिए होता है, स्टेट की टेरिटरी में होता है। तो जिस जिस एरिया में स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल है, उस एरिया में बाय डिफॉल्ट इंस्पेक्टर जनरल का कंट्रोल आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, वैसे तो बड़ी मामूली बात है, मान लो ये छत्तीसगढ़ का मैप है और इससे मिला जुला एक और स्टेट है जिसको हम कहते हैं मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ ने सडनली कोर्ट में जाके या पार्लियामेंट में रिक्वेस्ट करके इतनी टेरिटरी मध्य प्रदेश की अपने अंडर ले ली, उस सिचुएशन में इंस्पेक्टर जनरल का कंट्रोल भी बाय डिफॉल्ट उतने एरिया में चला जाएगा। क्लियर, चलो ये बात तो समझ में आ गई कि एक इंस्पेक्टर जनरल नाम का आदमी, जिसको रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक कहते हैं, उसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकार किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति कर सकती है। अब उसके बाद दूसरा कैच क्या है, दूसरा कैच ये है कि शैल तो लिखा हुआ है कि एक इंस्पेक्टर जनरल तो होगा, यानी कि आईजी का पद तो होना ही चाहिए, लेकिन उसके बाद एक मे भी लिखा,
मे बी, यानी कि कर सकता है। वो क्या कह रहा है कि कोई भी दूसरा अधिकारी जो राज्य सरकार के अंदर काम कर रहा हो उसकी नियुक्ति कर सकते हैं हम, किस पद पे? इंस्पेक्टर जनरल के पद पे, और वो वही काम करेगा जो इंस्पेक्टर जनरल का काम होगा। और आखिरी का सबसेक्शन ये बोल रहा है कि अगर कभी भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो इंस्पेक्टर जनरल के पद पे यानी कि महानिरीक्षक के पद पे काम कर रहा है तो उस परिस्थिति में वो कोई दूसरा पद भी संभाल सकता है। क्लियर? क्विक रिकैप लें तो हमें क्या समझ में आया, हमें केवल इतना याद रखना है कि सेक्शन 3 में दिया हुआ है कि इंस्पेक्टर जनरल बनेगा, कोई दूसरा अधिकारी भी इंस्पेक्टर जनरल बन सकता है। ऐसा क्यों है कि किसी दूसरे अधिकारी को हम इंस्पेक्टर जनरल बनाएंगे, अलग से नियुक्त नहीं करेंगे? पैसा बचाने के लिए, दो सैलरी क्यों दे? अब उसको देख के लग रहा है कि यहाँ पे एक इंस्पेक्टर, एक ऐसा अधिकारी बैठा है मिनिस्ट्री में जो केवल समोसा और चाय खाता है पूरे दिन, कोई काम नहीं कर रहा। तो बोला जब ये कुछ काम कर ही नहीं रहा और उसको हम 2 लाख रुपए की तनख्वाह दे ही रहे हैं, बनाओ उसको आईजी, काम करेगा, बस इसीलिए। ठीक है, चलो सेक्शन नंबर 4 किसी के बेरैक में दिया है, रिपील्ड है ना, तो उसका साल लिख लो 1937। मार्क कर लेना। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है कि ये सेक्शन कौन से मतलब ये वाला सेक्शन कौन से ईयर में रिपील हुआ था। ठीक है, और ऐसे कुछ 5-7 ही मिलेंगे आपको सेक्शंस इसमें जो रिपील हुए थे। ठीक है, चलो डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिस्ट्रिक्ट पढ़ो भाई, कोई पढ़ो, निलेश तुम पढ़ो। आगे ठीक है, जिले और उपजिले की बात हो रही है। हमने कल क्या समझा था, डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट क्या होता है? एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत सारे सब डिस्ट्रिक्ट होते हैं और एक स्टेट के अंदर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट होते हैं। तो ये क्या कह रहा है, ये सिंपल सी बात कह रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि जो डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट हैं उनको वो क्या कर सकता है, ऑल्टर कर सकता है उनकी लिमिट्स को। मतलब कि वो बेसिकली ये बोल सकता है कि अगर बिलासपुर के अंदर में कोनी आता है तो कोनी को हम हटा देते हैं, अब से कोनी किसी दूसरे जिले में आएगा, मतलब जो भी उसके नेक्स्ट पड़ता है उस राइट साइड से जाने पे। ठीक है, अगर स्टेट गवर्नमेंट, दूसरा सबसेक्शन कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट अगर कुछ भी ऐसा काम करती है तो उसको अपने ऑफिशियल गजेट में इसको नोटिफाई करना पड़ेगा। ऑफिशियल गजेट क्या होता है, आप तीनों जो नए हैं आप में से कोई बताएगा ऑफिशियल गजेट क्या होता है? ऑफिशियल गजेट राजपत्र, आप नहीं, आइडिया है? अभी आप पढ़ रहे हैं क्या, पास आउट हो गए? ठीक है, आप कहां से पढ़े हैं आप? अच्छा, डीपी पेपर्स है, हाँ ठीक ठीक है, ठीक है, 90% बात से मैं एग्री कर गया, बस एक बात से डिसएग्री कर गया कि ऑनलाइन आता है, मतलब ऑनलाइन इसकी कॉपी आती है लेकिन ऑफलाइन भी आता है, मेनली ऑफलाइन ही आता है। आप कुछ करेक्ट करेंगे इसमें? ठीक है, भारत का राजपत्र जो उसकी फोटो वहां लगी हुई है, द गजेट ऑफ इंडिया, ये और कुछ भी नहीं, सरकार का ऑफिशियल न्यूज़पेपर है। ठीक है, बेसिकली इसमें जो चीज निकाल दी गई वो पहली बात ऑफिशियल हो गई, इस तारीख से नोटिफाई कर दिया गया कि ये चीज लागू होगी, और जब इसमें निकल गई तो मान लिया जाता है कि पूरे देश में सर्कुलेट हो गई। बात समझ में आ गया? तो ये सरकारी अखबार है, तो अगर राज्य सरकार ने कोई भी अपने डिस्ट्रिक्ट या सब डिस्ट्रिक्ट में ऑल्टरेशन किया है यानी कि उसकी लिमिट्स के साथ छेड़छाड़ किया है तो उस स्थिति में उसको ऑफिशियल गजेट में इस चीज को यानी कि राजपत्र में इसको निकालना पड़ेगा और उसमें एक ऐसी तारीख देनी पड़ेगी, मतलब इस राजपत्र की एक तारीख होती है, यहाँ पे लिखा नहीं है या लिखा है, ये देखो January 4th, अब मैं दूर से मुझे समझ तो नहीं आ रहा, मतलब पास से, लेकिन ठीक है, यहाँ पे एक डेट लिखी होती है, ये जो डेट लिखी हुई है ना, जिस जो डेट यहां डली हुई है उस दिन से वो लिमिट एप्लीकेबल होगी। यानी कि सिंपल सी बात है, मैंने बोला कि आज के बाद से इस क्लास में
ये मैंने मैंने काम किया कि मैंने बोला कि इस क्लास को बीच हिस्से से डिवाइड कर दो, यहाँ पे मॉर्निंग बैच के बच्चे बैठेंगे, यहाँ इवनिंग बैच के बच्चे बैठेंगे, तो ये मैं तुरंत इफेक्टिव नहीं कर सकता, मुझे ऑफिशियल गजेट में ये चीज निकालनी पड़ेगी, और ऑफिशियल गजेट में जो तारीख डली होगी उसी तारीख से ये चीज एप्लीकेबल होगी, भले ही मैंने मौखिक रूप में कितना ही पहले डिक्लेयर क्यों ना कर दिया हो। क्लियर? अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।